पहले बात करेंगे लोकसभा चुनावों की, तो 2024 के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम 6 बजे ही थम गया था। तीसरे चरण में 11 राज्यों में 93 सीटों पर 7 मई को मतदान होंगे। इस चरण में कुल 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से करीब 120 महिलाएं हैं। तीसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, पोरबंदर से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, राजकोट की बात करें तो वहां से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं और आगरा से एसपी सिंह बघेल शामिल हैं। बात तीसरे चरण की करें तो इन राज्यों में कल मतदान होने हैं। गुजरात की 25 सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 पर, बिहार की 5 सीटों पर, असम की 4 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर, गोवा की 2 सीटों पर और दादर नागर हवेली की 2 सीटों पर कल मतदान होने हैं। अब कल 7 मई को 11 राज्यों की 93 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदान सुबह लगभग 7 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक समाप्त भी हो जाएगा। इस बीच भीषण गर्मी भी पड़ रही है, इसके चलते मतदाताओं को घर से बाहर निकालना चुनाव आयोग के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है।